हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम जेम्स क्लियर द्वारा लिखी गई एक बुक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है एटॉमिक हैबिट्स। ये एक्सट्रीमली यूज़फुल और प्रैक्टिकल बुक है। ऑथर जेम्स ने जो भी स्ट्रैटेजीज इस बुक में बताई हैं वो उन्होंने खुद अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट की हैं। जेम्स बताते हैं कि उन्हें 16 साल की उम्र में माथे के बीचों बीच एक बेसबॉल बैट लगने से हॉरिबल इंजरीज हुई थी, बट उन्होंने बेटर स्लीप हैबिट्स, बेटर स्टडी हैबिट्स, बेटर क्लीनिंग हैबिट्स और बेटर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग हैबिट्स डेवलप करके अपने आप को रिकवर किया और लाइफ में रेयर अचीवमेंट्स हासिल की। आइए उनके द्वारा लिखी गई इस बुक की सारी लर्निंग्स को शॉर्ट में समझते हैं। लर्निंग नंबर वन, स्मॉल हैबिट्स मेक अ बिग डिफरेंस। कुछ एग्जाम्पल्स के साथ शुरू करते हैं। अभी थोड़े पैसे बचाने से क्या होगा, एक घंटा टीवी देख लेता हूँ, पढ़ाई तो बाद में हो जाएगी। एक दिन जिम ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक दिन अनहेल्दी खा लेता हूँ, देर तक काम कर लेता हूँ, फैमिली तो समझती ही है। अभी थोड़ा सोशल मीडिया में टाइम पास कर लेता हूँ, काम बाद में कर लूँगा। आपको ये सारी चीज़ें उस मोमेंट के लिए छोटी लगती हैं, बट प्रॉब्लम तब होती है जब आप बार बार सेम चीज़ें रिपीट करने लगते हैं और ये चीज़ें आपकी हैबिट्स बन जाती हैं। आपको ये चीज़ समझनी होगी कि भले ही लाइफ में छोटी छोटी हैबिट्स का इफ़ेक्ट दिखाई न दे, बट जैसे आपके पैसे टाइम के साथ कंपाउंड होते रहते हैं, वैसे ही हैबिट्स का इफ़ेक्ट भी कंपाउंड होता रहता है। अच्छी हैबिट्स का फ़ायदा और बुरी हैबिट्स का नुकसान कुछ सालों के बाद ही रियलाइज़ होता है। इट्स ओनली ईयर्स लेटर दैट द वैल्यू ऑफ गुड हैबिट्स एंड द कॉस्ट ऑफ बैड वंस बिकम्स स्ट्राइकिंगली अपेरेंट। लर्निंग नंबर टू, वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। आपके साथ अक्सर ऐसा होता होगा कि आप कुछ अच्छी हैबिट्स डिसाइड करते हैं, कुछ हफ्ते या कुछ महीने उनको रेगुलरली फॉलो भी करते हैं, बट जब आपको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स नहीं दिखते तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और उन हैबिट्स को छोड़ देते हैं। इसे वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कहा जाता है। ये वो टाइम होता है जिसमें आपको कोई टेंजिबल रिजल्ट्स नहीं दिखते, आप गिव अप करने की सोचते हैं और कुछ लोग गिव अप कर भी देते हैं, बट ऐसा मत करें। स्टिक विद योर हैबिट्स। एक बार आप वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट क्रॉस कर लेंगे तो आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे। इसे समझने के लिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि एक स्टोन कटर एक पत्थर को तोड़ने के लिए बार बार उस पर हथौड़ा चला रहा है। उसने 50 बार हथौड़ा चलाया, कुछ नहीं हुआ। फिर उसने और 50 बार हथौड़ा चलाया, बट पत्थर पर एक क्रैक तक नहीं आया। जैसे ही उसने एक और हथौड़ा मारा, पत्थर दो हिस्सों में टूट गया। आई होप आप ये समझे होंगे कि उसने वैली ऑफ डिसअपॉइंटमेंट को क्रॉस किया और वो लगा रहा। इस एग्जाम्पल से आपको ये भी समझ आता है कि भले ही पिछली एफर्ट्स का रिजल्ट दिखाई नहीं देता, बट वो एफर्ट्स वेस्ट नहीं होते, बस आप पेशेंस रखें। आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इसी कॉन्सेप्ट को प्लेट्यू ऑफ लेटेंट पोटेंशियल भी कहा गया है। लर्निंग नंबर थ्री, गोल्स वर्सेस सिस्टम्स। गोल्स और सिस्टम्स के बीच का फ़र्क समझते हैं। गोल्स वो रिजल्ट्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। सिस्टम्स वो प्रोसेसेस हैं जिनकी हेल्प से आप वो रिजल्ट्स अचीव करते हैं। मान लीजिए आपका गोल है 10 kg वेट लूज़ करना, तो आपका सिस्टम होगा कि आप कैसा खाना खाते हैं, कितने घंटे एक्सरसाइज करते हैं। आप गोल्स के बारे में ज़्यादा सोचकर टाइम वेस्ट ना करें, रैदर सिस्टम्स बनाने पर फोकस करें, क्योंकि सिस्टम्स आपकी एक्चुअल प्रोग्रेस के लिए होते हैं। गोल्स बस आपकी डायरेक्शन सेट करने के लिए होते हैं। गोल्स की एक प्रॉब्लम है कि वो आपकी हैप्पीनेस को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। आप सोचते हैं कि जब आपका गोल अचीव हो जाएगा तब आप बहुत खुश हो जाएंगे और आप हैप्पीनेस को पोस्टपोन करते रहते हैं। बट जब आप सिस्टम्स मीन्स प्रोसेसेस से प्यार करने लगते हैं तो आप हमेशा हैप्पी
और सेटिस्फाइड फील करते हैं। लर्निंग नंबर 4, आउटकम बेस्ड गोल्स वर्सेस आइडेंटिटी बेस्ड गोल्स। मान लीजिए आपका आउटकम बेस्ड गोल था 10 kg वेट लूज करना, वो अचीव हो गया है। नाउ ऑल योर मोटिवेशन इज लॉस्ट, देयर आर चांसेस कि आप पुरानी हैबिट्स को अपना लेंगे। इसका सलूशन ये है कि आप अपना गोल एक डिफरेंट वे में सेट करें। ये गोल ना रखें कि आपको 10 kg वेट लूज करना है, बल्कि आइडेंटिटी बेस्ड गोल रखें कि आपको एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन बनना है। और हर सिचुएशन में अपने आप से सवाल पूछें कि एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन क्या खाएगा, बर्गर या घर का खाना? एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन इतने छोटे से डिस्टेंस के लिए कैब लेगा या वॉक करेगा? एक हेल्थ कॉन्शियस पर्सन सोता रहेगा या उठ के एक्सरसाइज करेगा? जितनी बार आप इन सवालों में सही चॉइस को फॉलो करेंगी, उतनी बार आप खुद को ये प्रूव करेंगी कि वाकई में आप एक हेल्थ कॉन्शियस इंसान हैं। इवेंचुअली आपका सेल्फ बिलीफ स्ट्रांग होता जाएगा और यही आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी। सो पॉइंट इज, आउटकम बेस्ड गोल ना रखें, आइडेंटिटी बेस्ड गोल रखें। ये टेम्परेरी नहीं होते। जब कोई चीज़ आपकी आइडेंटिटी का पार्ट बन जाती है तो आप उसे लंबे टाइम के लिए सस्टेन करते हैं। लर्निंग नंबर 5, व्हाई हैबिट्स आर इम्पॉर्टेंट। लाइफ में जिन चीज़ों के लिए आपकी हैबिट्स ऑलरेडी सेट होती हैं, वो चीज़ें आप ऑटोमेटिकली करते हैं। उन चीज़ों के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। सो हैबिट्स ज़रूरी हैं क्योंकि ये आपकी मेंटल कैपेसिटी को फ्री करती हैं और माइंड दूसरे कामों पर ध्यान दे सकता है। आप प्रोडक्टिव बनते हैं और अननेसेसरी का स्ट्रेस कम होता है। हैबिट्स ना हों तो आपका माइंड बेसिक चीज़ों के लिए भी डिसीजन लेने में लगा रहता है, जैसे कि मैं कब एक्सरसाइज करूं, मैं कितने बजे सोऊं, कितने बजे उठूं, कितने बजे पढ़ाई करने बैठूं, एट्सेट्रा। लर्निंग नंबर 6, डू हैबिट्स रिस्ट्रिक्ट हैप्पीनेस। आप सोचते होंगे कि हैबिट से आप बंध जाते हैं और आपकी फ्रीडम छिन जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। हैबिट्स आपको लॉन्ग रन में फ्रीडम देती हैं। फॉर एग्जांपल, अच्छी फिनेंशियल हैबिट्स आपको फिनेंशियल फ्रीडम देती हैं, अच्छी हेल्थ हैबिट्स आपको डिजीज़ से फ्रीडम देती हैं, अच्छी लर्निंग हैबिट्स आपको सेल्फ डाउट से फ्रीडम देती हैं। लर्निंग नंबर 7, हैबिट स्ट्रैटेजीज। जेम्स ने इस बुक में बहुत सारी प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज दी हैं जिनकी हेल्प से आप अच्छी हैबिट्स फॉर्म कर सकते हैं और बुरी हैबिट्स एलिमिनेट कर सकते हैं। आइए एक एक करके सारी स्ट्रैटेजीज को समझते हैं। जी नंबर 1, द हैबिट्स स्कोर कार्ड। जेम्स सेज कि अगर आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना है तो सबसे पहले आपको कॉन्शियसली अपना बिहेवियर समझना होगा। इसके लिए आप एक सिंपल एक्सरसाइज कर सकते हैं। अपने डेली हैबिट्स की एक लिस्ट बनाएं, जो हैबिट न्यूट्रल हो उसके सामने इक्वल टू का साइन बनाएं, जो हैबिट आपको लॉन्ग रन में हेल्पफुल हो उसके सामने प्लस का साइन बनाएं, और जो हैबिट आपको लॉन्ग रन में नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी उसके सामने माइनस का साइन बनाएं। आपको एक हैबिट को कैसे रेट करना है, ये टोटली आपकी सिचुएशन और आपके लाइफ गोल्स पर निर्भर करता है। ध्यान रखें, इस एक्टिविटी के दौरान अपने आप को जज ना करें। किसी भी हैबिट के लिए ना तो अपने आप को प्रेस करें और ना ही रिडिक्यूल करें, बस ऑब्जर्व करें और ढूंढ कर निकालें कि इम्प्रूवमेंट का स्कोप कहाँ है। स्ट्रैटेजी नंबर 2, मेक अ कॉन्क्रीट प्लान ऑफ एक्शन। आप अक्सर सोचते हैं कि अब से आप हेल्दी खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे और प्रोडक्टिव बनेंगे, बट आप भी जानते हैं कि इन चीज़ों पर कोई एक्शन नहीं होता। आप बस सही टाइम आने का वेट करते रहते हैं। कुछ करने के लिए ज़रूरी है कि आप एक कॉन्क्रीट प्लान ऑफ एक्शन बनाएं। फॉलो दिस फॉर्मूला, आई विल डू दिस एट दिस टाइम इन दिस लोकेशन। फॉर एग्जांपल,
I will do exercise for 30 minutes at 7 a.m. in the balcony. I will make my partner tea at 8 a.m. in the kitchen. जब आपके पास किसी चीज़ का प्लान होता है तो इट्स हाईली लाइकली कि आप वो चीज़ करेंगे. बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि एकदम क्लियर प्लान बनाएं, जिसमें टाइम और लोकेशन ज़रूर हो. स्ट्रैटेजी नंबर 3, पॉइंटिंग एंड कॉलिंग. मान लीजिए आप चॉकलेट बहुत खाते हैं और आप इस हैबिट को चेंज करना चाहते हैं. नेक्स्ट टाइम जब भी आप चॉकलेट उठाएं, खुद से लाउडली कहें, मैंने ये चॉकलेट खाने के लिए उठाई है बट मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है. इसे खाने से मेरा वेट गेन होगा और दांत भी ख़राब होंगे. दिस स्ट्रैटेजी इज़ कॉल्ड पॉइंटिंग एंड कॉलिंग. स्ट्रैटेजी नंबर 4, हैबिट स्टैकिंग. इसमें आप एक न्यू हैबिट को एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ पेयर कर लेते हैं. फॉलो दिस फॉर्मूला. आफ्टर आई डू दिस I will do this. For example, after I sit down for dinner, I will practice gratitude for 1 minute. After I pour myself a cup of morning tea, I will meditate for 1 minute. After I keep my dishes into the sink, I will wipe the kitchen counter. या फिर एक और फॉर्मूला है जो आप फॉलो कर सकते हैं. When situation X arises, I will take response Y. For example, when I see stairs, I will take them instead of lift. Whenever I start eating, I will always eat lots of salads first. Whenever I want to buy something online, I will wait for 24 hours before making the purchase. इस स्ट्रैटेजी में कुछ बातों का ध्यान ज़रूर रखें. आप मल्टीपल हैबिट्स का स्टैक बना सकते हैं. बी क्लियर, मेक श्योर कि आपके सेंटेंसेस वीग ना हों, और ऐसी हैबिट्स को ही स्टैक करें जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हों. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपके बच्चों के स्कूल जाने का समय है, उस टाइम अगर आप मेडिटेशन की हैबिट को स्टैक कर लेंगे तो ऑब्वियस है दैट्स नॉट द राइट टाइम. स्ट्रैटेजी नंबर 5, हैबिट स्टैकिंग विद अ रिवॉर्ड. इसमें भी हम एक न्यू हैबिट को एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ पेयर कर लेते हैं और उसके बाद अपने आप को एक रिवॉर्ड देते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, आफ्टर आई गेट बैक फ्रॉम लंच, आई विल कॉल 3 पोटेंशियल क्लाइंट्स. आफ्टर आई कॉल 3 पोटेंशियल क्लाइंट्स, आई विल चेक फेसबुक. स्ट्रैटेजी नंबर 6, डिज़ाइन योर स्पेस. दिस मंत्रा माइट हेल्प यू. वन स्पेस वन यूज. ऑफिस वर्क, स्टडी, एक्सरसाइज, कुकिंग, एंटरटेनमेंट, सबके लिए अलग जगह निश्चित करें. अगर आपके पास लिमिटेड जगह हो तो उसी एक रूम को डिफरेंट एक्टिविटी जोन्स में डिवाइड कर लें. ध्यान रखें कि वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बेड पर दिन के समय में बिल्कुल ना बैठें. बेड को सिर्फ सोने के लिए इस्तेमाल करें. जिस स्पेस को जिस काम के लिए निश्चित किया है उसमें वही काम करें, कोई दूसरा काम ना करें. अवॉइड मिक्सिंग. मेक अ स्टेबल एंड प्रिडिक्टेबल स्पेस वेयर एवरी हैबिट हैज़ अ होम. स्ट्रैटेजी नंबर 7, मेक इट डिफ़िकल्ट. अगर आप कोई बुरी हैबिट छोड़ना चाहते हैं तो किसी ना किसी ने आपसे ज़रूर कहा होगा, थोड़ा डिसिप्लिन लाओ, थोड़ा सेल्फ कंट्रोल लाओ, हो जाएगा. बट डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज नहीं हैं, क्योंकि कोई भी इंसान कितनी बार रेजिस्ट कर सकता है. इसका बेटर सॉल्यूशन ये है कि आप बुरी हैबिट्स को फॉलो करने का रास्ता इम्प्रैक्टिकल और मुश्किल बना दें. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपसे काम नहीं हो रहा तो फ़ोन को कुछ घंटे के लिए दूसरे कमरे में रख दें, या फिर किसी फ्रेंड फैमिली से बोलें कि फ़ोन छुपा दें और लंच टाइम के बाद ही आपको दें. सोशल मीडिया के एडिक्ट बन चुके हैं तो उस ऐप को ही फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दें, या फिर किसी फ्रेंड से कहें कि आपके सारे पासवर्ड रीसेट कर दें और वीकेंड पर ही आपको दें. बहुत टाइम टीवी में वेस्ट कर रहे हैं तो
तो टीवी को बेडरूम से बाहर कर दें। बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेल रहे हैं तो हर बार खेलने के बाद उसको पैक करके अलमारी के पीछे वाले हिस्से में रखें। टेक्नोलॉजी की हेल्प से वाईफाई का कनेक्शन रात को 10 बजे कट ऑफ कर दें। उस केस में ना तो आप बिंज वॉच कर पाएंगे, ना ही सोशल मीडिया कर पाएंगे, इवेंचुअली आपको टाइम से सोना ही पड़ेगा। स्ट्रेटजी नंबर 8, मेक इट ईजी। आपने नोटिस किया होगा कि मॉल में जो चीज़ें आई लेवल पर रखी रहती हैं वो सबसे ज़्यादा बिकती हैं, क्योंकि उनको पिक करना आसान है। पॉइंट ये है कि अच्छी हैबिट्स को फॉलो करने का रास्ता भी आसान बना दिया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप मेडिसिन रेगुलर लेना चाहते हैं तो उसे बेड साइड टेबल पर रखें। पानी ज़्यादा पीना चाहते हैं तो रोज़ सुबह 2-3 बॉटल्स भर के अपने वर्क स्टेशन पर रखें। रोज़ एप्पल खाना चाहते हैं तो उसे पहले ही फ्रिज से निकाल कर काउंटर टॉप पर रख लें, जहाँ वो आपको हर समय दिखाई दे। रात को रीडिंग की हैबिट डालना चाहते हैं तो सुबह बेड बनाते वक्त बुक को अपने तकिए के ऊपर रख दें। रोज़ हेल्दी ब्रेकफास्ट खाना चाहते हैं तो रात को ही ज़रूरी सामान निकाल के किचन काउंटर टॉप पर रख दें। एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो कपड़े, शूज़, बैग एक्सेट्रा रात को ही रेडी करके रख दें। स्ट्रेटजी नंबर 9, रोल ऑफ फैमिली, फ्रेंड्स एंड कल्चर। आपको रियलाइज़ भी नहीं होता कि फ्रेंड्स, फैमिली और कल्चर का आपकी हैबिट्स में कितना बड़ा रोल है। जैसे अनजाने में बच्चे पेरेंट्स की हैबिट्स कॉपी करने लगते हैं, हस्बैंड वाइफ एक दूसरे की हैबिट्स कॉपी करने लगते हैं। कुछ लोग जब दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिताते हैं तो वो उनके बोलने का स्टाइल कॉपी करने लगते हैं, किसी दूसरी स्टेट में जाकर वहाँ के एक्सेंट में बातचीत करने लगते हैं, या फिर सक्सेसफुल लोगों को कॉपी करने लगते हैं। सो ऑलवेज रिमेम्बर, आप जैसा इंसान बनना चाहते हैं वैसे इंसानों की कंपनी में रहें। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु हैव द हैबिट्स यू वांट टू हैव फॉर योरसेल्फ। इसके अलावा कोई रेलेवेंट क्लब या कम्युनिटी ज्वाइन करें, इससे मोटिवेशन बनी रहती है, जैसे कि बुक क्लब, म्यूज़िक क्लब, स्पोर्ट्स क्लब एट्सेट्रा। नथिंग सस्टेन्स मोटिवेशन बेटर देन बिलोंगिंग टू द ट्राइब। स्ट्रेटजी नंबर 10, इन्वेस्ट इन वन टाइम एक्शंस। ऐसे वन टाइम एक्शंस में टाइम और पैसा इन्वेस्ट ज़रूर करें जो आपको लॉन्ग टर्म अच्छी हैबिट्स में हेल्प कर सकते हैं। जैसे आप अच्छी नींद चाहते हैं तो अच्छा मैट्रेस और ब्लैकआउट कर्टन्स खरीद लें। प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो अननेसेसरी के ईमेल से अनसब्सक्राइब कर दें या फिर इनबॉक्स में फिल्टर्स लगा दें। पैरों और घुटनों में पेन अवॉइड करना चाहते हैं तो अच्छे शूज़ खरीद लें। थोड़ा टाइम फ्री करना चाहते हैं तो जो चीज़ें ऑटोमेट हो सकती हैं उनको ऑटोमेट कर दें, जैसे कि मोबाइल रिचार्जेस, बिल पेमेंट्स एट्सेट्रा। स्ट्रेटजी नंबर 11, शिफ्ट द माइंडसेट। एक कहानी से शुरुआत करते हैं। एक इंसान था जो व्हीलचेयर यूज़ करता था। किसी ने उससे पूछा, तुम इस व्हीलचेयर की वजह से बंधा हुआ महसूस नहीं करते? तो वो इंसान कहता है कि इस व्हीलचेयर की वजह से तो मैं आज़ाद फील करता हूँ। अगर ये ना होती तो मैं हमेशा अपने बेड पर लेटा रहता और कभी घर से बाहर ना निकल पाता। देखा आपने कैसे अपने माइंडसेट को चेंज करके कोई भी इंसान अपनी लाइफ को बेटर बना सकता है। पॉइंट ये है कि आप अच्छी हैबिट्स का भी डिफ़िकल्ट एस्पेक्ट ही देखते हैं। माइंडसेट चेंज करें और पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें। एक्सरसाइज के लिए खुद से ये ना कहें कि सुबह मुझे जल्दी उठ के रनिंग के लिए जाना होगा। रैदर कहें, सुबह का टाइम है सहन शक्ति बढ़ाने का और फास्ट बनने का। रात को फैमिली के लिए डिनर बनाना पड़ेगा। रैदर कहें, रात का टाइम है हेल्दी और न्यूट्रिशियस खाने का। किसी भी प्रेजेंटेशन से पहले आप कहते हैं कि आई एम नर्वस, उसकी बजाय कहें कि आई एम एक्साइटेड, दिस एक्साइटमेंट इज़ हेल्पिंग मी टू कॉन्सेंट्रेट। या फिर आप अपने लिए कोई मोटिवेशन रिचुअल भी सेट कर सकते हैं जो आप किसी भी डिफ़िकल्ट काम से पहले कर सकते हैं, जैसे कि
प्लेयर्स गेम से पहले वार्म अप करते हैं, ये उनका मोटिवेशन रिचुअल होता है। या कुछ लोग सुबह नींद से उठते ही लाउड म्यूजिक लगाते हैं। या फिर कुछ लोग किसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में 3 लंबी सांसें लेते हैं और स्माइल करते हैं। स्ट्रेटजी नंबर 12, टेक एक्शन। एक किस्सा आपने ज़रूर सुना होगा कि एक प्रोफेसर ने अपनी फोटोग्राफी क्लास के स्टूडेंट्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया, क्वांटिटी ग्रुप एंड क्वालिटी ग्रुप। क्वांटिटी ग्रुप को ये काम दिया गया कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटोज़ खींचनी हैं। क्वालिटी ग्रुप को ये काम दिया गया कि उन्हें सिर्फ एक परफेक्ट फ़ोटो खींचनी है। जब रिज़ल्ट का दिन आया तो प्रोफेसर इस बात से हैरान हुए कि सारी बेस्ट फ़ोटोज़ क्वांटिटी ग्रुप की थी। ऐसा इसलिए क्योंकि क्वालिटी ग्रुप डिस्कशंस और बेस्ट फ़ोटो के लिए बेस्ट अप्रोच फाइंड आउट करने में लगा रहा, उन्होंने एक्शन नहीं लिया। जबकि क्वांटिटी ग्रुप ने बहुत सारी फ़ोटोज़ खींची, एक्सपेरिमेंट्स किए, अपनी गलतियों से सीखा, अपनी फोटोग्राफी स्किल्स इम्प्रूव की, एज अ रिज़ल्ट बेस्ट फ़ोटोज़ सबमिट की। इस किस्से से ये सीख मिलती है कि प्लान करना, स्ट्रेटजी बनाना, लर्न करना, ये सब चीज़ें अच्छी हैं, बट इन चीज़ों से रिज़ल्ट नहीं मिलता। रिज़ल्ट मिलता है एक्चुअल में एक्शन लेने से और बार बार एक्शन को रिपीट करने से, आप हेल्दी डाइट के बारे में रिसर्च करने से, बुक्स पढ़ने से, वीडियोज़ देखने से हेल्दी नहीं बनेंगे। आप हेल्दी मील्स बार बार खाने से हेल्दी बनेंगे। स्ट्रेटजी नंबर 13, हैबिट शेपिंग यूजिंग द गेटवे हैबिट। मान लीजिए आप रोज़ सुबह योगा करने की हैबिट डेवलप करना चाहते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत बड़ा टास्क है और आपकी हिम्मत नहीं होती इसे स्टार्ट करने की। अब अगर आप खुद से ये कहें कि मुझे बस योगा मैट निकालना है, मीन्स डू 30 मिनट्स ऑफ योगा बिकम्स टेक आउट योगा मैट, ये बहुत आसान है, इसे करने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे। इस एग्जाम्पल में योगा मैट निकालना एक गेटवे हैबिट है। गेटवे हैबिट वो हैबिट होती है जो बहुत ईजी होती है और जिसे करने में 2 मिनट से भी कम समय लगता है। ये कुछ बड़ा करने से पहले एक एंट्री पॉइंट होती है। आइडिया इज़ कि आपको बस गेटवे हैबिट को हर दिन रिपीट करते रहना है। एक परफेक्ट हैबिट के पीछे भागने से अच्छा है आप एक रिलेटिवली आसान हैबिट को रेगुलरली फॉलो करना शुरू कर दें और उसमें मास्टरी कर लें। बिलीव कीजिए, रेस्ट विल फॉलो। कुछ दिनों बाद आपको खुद एहसास होगा कि जब आ ही गया हूँ, सब सेट है, तो थोड़ा सा योगा कर ही लेता हूँ। इसका मतलब आप फेज़ 2 में एंटर हो रहे हैं और उसमें मास्टरी करने के बाद आप अगले फेजेस की ओर बढ़ेंगे। स्ट्रेटजी नंबर 14, मेक इट इमीडिएटली रिवॉर्डेबल। ऐसा क्यों होता है कि आप बुरी हैबिट्स को तो आसानी से फॉलो कर लेते हैं, जैसे कि जंक खाना, टीवी देखना, सोशल मीडिया चलाना, प्रोकास्टिनेट करना, बट अच्छी हैबिट्स को उतनी आसानी से फॉलो नहीं कर पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि बुरी हैबिट्स के साथ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलता है, बट अच्छी हैबिट्स का रिवॉर्ड कई सालों के बाद मिलता है, इमीडिएटली कुछ नहीं। जेम्स सेज कि आप अगर किसी अच्छी हैबिट को सेट करना चाहते हैं तो हर बार अपने आप को कुछ रिवॉर्ड दीजिए। जैसे कि मान लीजिए आप और आपका पार्टनर होममेड फूड की हैबिट बिल्ड करना चाहते हैं, तो जितनी बार आप बाहर का खाना अवॉइड करें उतनी बार अपने आप को से 500 रुपये रिवॉर्ड दें और ईयर एंड पर जितने पैसे जमा हो जाएं उससे कुछ ऐसा खरीदें जो आप हमेशा से खरीदना चाहते थे। ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मॉनेटरी रिवॉर्ड सेट करना है, आप कोई भी रिवॉर्ड्स सेट कर सकते हैं जो आपके लिए एक्साइटिंग हो। बस ध्यान ये रखें कि कॉन्फ्लिक्टिंग रिवॉर्ड्स ना सेट करें। जैसे कि अगर आप हेल्दी होममेड फूड खाना चाह रहे हैं तो रिवॉर्ड में आइसक्रीम या जंक खाना ना दें। इवेंचुअली एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रैक्टिस करते करते आपको अपनी अच्छी हैबिट्स के रियल रिवॉर्ड्स दिखने लगेंगे, तो आपको इन सेकेंडरी रिवॉर्ड्स की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। स्ट्रेटजी नंबर 15, मेक इट इमीडिएटली पनिशेबल। मान लीजिए आपके सामने एक गैस स्टोव पर एक गर्म बर्तन रखा हुआ है,
आपको पता है कि आपको उसे डायरेक्टली नहीं छूना चाहिए, आप जल सकते हैं। या फिर ट्रैफिक सिग्नल रेड है, आप जानते हैं कि आपको क्रॉस नहीं करना है, अदरवाइज फाइन लग जाएगा। आप ऐसा हर काम अवॉइड करते हैं जिसमें आपको इमीडिएटली पनिशमेंट का डर होता है। पनिशमेंट इज एन इफेक्टिव टीचर। सेम कॉन्सेप्ट को हैबिट के केस में अप्लाई करके देखें, जिसमें अच्छी हैबिट को ना फॉलो करने पर आपको एक प्री डिसाइडेड पनिशमेंट मिलेगी। इसके लिए आप एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर की हेल्प ले सकते हैं। वो इंसान आपका लाइफ पार्टनर हो सकता है, आपका फिटनेस ट्रेनर हो सकता है या कोई और। जैसे मान लीजिए आपका गोल है हेल्दी रहना और आपने एक वर्बल कॉन्ट्रैक्ट किया है अपने फिटनेस ट्रेनर के साथ कि अगर मैं किसी दिन ट्रेनिंग स्किप करूँगा तो मुझे तुम्हें 500 रुपये पेनल्टी देनी होगी। अब इसका मतलब ये है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करेंगे तो आपके पैसे तो जाएंगे ही, साथ में ट्रेनर की नज़रों में आप लेज़ी भी साबित हो जाएंगे और आप ऐसा कभी नहीं चाहेंगे कि कोई आपके बारे में ऐसा सोचे। स्ट्रैटेजी नंबर 16, मेक यूज़ ऑफ हैबिट ट्रैकर। हैबिट ट्रैकर का मतलब है कि आप एक जर्नल मेंटेन करें जिसमें अगर आपने कोई हैबिट की है तो उसके आगे टिक लगा दें और नहीं की तो क्रॉस का साइन बना दें। ये ट्रैकर बेसिकली आपकी प्रोग्रेस दिखाने में हेल्पफुल होगा। कुछ लोग सोचेंगे कि हम ऑलरेडी एक अच्छी हैबिट डेवलप करने में लगे हैं, अब एक नई हैबिट लगाएं ट्रैकर मेंटेन करने की। हैबिट ट्रैकर का मतलब ये नहीं कि आप अपनी सारी लाइफ ही ट्रैक करें, सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट्स को ट्रैक करें। और एक बार आप वो हैबिट ऑटोमेटिकली करने लगेंगे तब आपको ट्रैकिंग की ज़रूरत भी नहीं रहेगी। स्ट्रैटेजी नंबर 17, नेवर मिस ट्वाइस रूल। लाइफ में परफेक्शन तो पॉसिबल नहीं है, कभी तबीयत खराब हो सकती है, कभी कहीं ट्रैवल हो सकता है या कभी आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत होगी, तो हो सकता है आप उस टाइम एक इम्पॉर्टेंट हैबिट मिस कर दें या किसी कारणवश भूल जाएं। पर जब भी ऐसा हो अपने आप को एक सिंपल रूल याद दिलाएं, नेवर मिस ट्वाइस, मेक श्योर यू गेट बैक ऑन ट्रैक इमीडिएटली। ये थी सारी हैबिट स्ट्रैटेजीज। अब बढ़ते हैं लर्निंग नंबर 8 की तरफ, हाउ टू बिकम ट्रूली ग्रेट। इसमें 3 पॉइंट्स हैं, एक एक करके इनको देखते हैं। पॉइंट नंबर 1, अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी। अपनी पर्सनैलिटी को समझें कि आप कैसे इंसान हैं, क्यूरियस या कॉशियस, ऑर्गेनाइज्ड या स्पॉन्टेनियस, इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट, कंपैशनेट या इग्नोरेंट, सेंसिटिव या स्टेबल। किसी भी एस्पेक्ट को लेकर गिल्टी ना फील करें, बस अपने आप को समझें। वर्क एरियाज़ में ऐसे एरियाज़ चुनें जो आपकी पर्सनैलिटी से मेल खाते हों, ना कि वो एरियाज़ जो पॉपुलर हों। पॉइंट नंबर 2, रियलाइज़ योर स्ट्रेंथ्स। अपने टाइम का 10-20% हिस्सा ऑप्शंस एक्सप्लोर करने में भी लगाएं और अपने आप से ये सवाल पूछें, ऐसी क्या चीज़ है जो मैं मजाक में कर लेता हूँ, ऐसी क्या चीज़ है जिसे करने में मुझे टाइम का पता भी नहीं चलता, ऐसी क्या चीज़ है जो मैं दूसरों से ज़्यादा अच्छी कर लेता हूँ, ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे नेचुरली आती है। इन सब सवालों से अपनी स्ट्रेंथ्स फाइंड आउट करें। मान लीजिए अगर आप किसी एक चीज़ में खुद को बेस्ट नहीं मानते बट आप 2 रिलेटेड चीज़ों में अच्छे हैं, तो कंबाइन दोस एंड क्रिएट समथिंग फॉर योरसेल्फ। व्हेन यू कांट विन बाय बीइंग बेटर, विन बाय बीइंग डिफरेंट, स्टैंड आउट। पॉइंट नंबर 3, वर्क एज हार्ड एज दोज यू एडमायर। ऐसा सभी के साथ होता है कि कोई भी काम एक टाइम के बाद बोरिंग लगने लगता है, बट सक्सेसफुल लोगों की एक क्वालिटी उन्हें ऑर्डिनरी लोगों से अलग करती है। सक्सेसफुल लोग हमेशा मेहनत करते हैं, भले ही वो बोर हो गए हों या उनका मूड ना ठीक हो। अब बढ़ते हैं लर्निंग नंबर 9 की तरफ, डाउनसाइड ऑफ बिल्डिंग हैबिट्स। जब ऑलरेडी कुछ चीज़ें आपकी आइडेंटिटी का स्ट्रॉन्ग पार्ट बन जाती हैं तो कभी कभी ऐसे हो सकता है
कि वही हैबिट्स आपकी ग्रोथ को रोकें। जैसे आपने नोटिस किया होगा, कभी कभी सीनियर टीचर्स न्यू टीचिंग मेथड्स को अडाप्ट नहीं करते, वो ट्राइड एंड टेस्टेड कन्वेंशनल मेथड्स को ही सही मानते हैं, या फिर कुछ सीनियर्स अपने यंगर कलीग्स के आइडियाज़ को स्ट्रेट अवे रिजेक्ट कर देते हैं। इसका सोल्यूशन है रिफ्लेक्शन एंड रिव्यू। टाइम टू टाइम अपनी आइडेंटिटी के ऊपर रिफ्लेक्ट करते रहें, ये पता लगाने के लिए कि कहाँ आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है और कहाँ आपको खुद को अपग्रेड करने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज़ छोटी छोटी हैबिट को लेकर सोचते रहें। ये बिल्कुल वही बात होगी कि आप मिरर में एक इंच दूर से अपने आप को देख रहे हैं और आपको सिर्फ छोटी छोटी इम्परफेक्शंस नज़र आ रही हैं, बट यू आर मिसिंग द बिगर पिक्चर। या फिर अगर आप कभी भी अपनी आइडेंटिटी के ऊपर रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो ये वो बात होगी कि आपने खुद को कभी मिरर में देखा ही नहीं। दोनों ही केसेस सही नहीं हैं। आपको मिरर में देखना है, बट सही डिस्टेंस से, जहाँ से आप कंप्लीट पिक्चर देख पाएँ। ऑलवेज रिमेंबर, सक्सेस इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस टू इम्प्रूवमेंट। देर इज़ नो फिनिश लाइन, देर इज़ नो परमानेंट सोल्यूशन। बी फ्लेक्सिबल। दैट्स ऑल अबाउट माई लर्निंग्स फ्रॉम दिस बुक। मैंने कोशिश की कि इस बुक के सारे कॉन्सेप्ट्स को कवर करूँ और एक ऑर्गेनाइज्ड, इंटरेस्टिंग, ईजी वे में प्रेजेंट करूँ। ये एक डिफ़िकल्ट काम है, इसके लिए हर चैप्टर को काफ़ी बार पढ़ना होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं कि आप कौन सी लर्निंग्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। कोई करेक्शन या फिर इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सजेशन हो तो प्लीज़ वो भी लिखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।